हेलो चिल्ड्रन, पहले वीडियो में हम भाववाचक शब्द बनाना सीख रहे थे। आइए हम आगे की ओर जारी रखते हैं। अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे। विशेषण शब्द हैं अच्छा, खट्टा, काला, आलसी। उनमें अंत में प्रत्यय जोड़ देने से बनता है अच्छाई, खट्टास, कालीमा, आलस्य। विशेषण शब्द है कड़वा, फुर्तीला, कुशल, कृपाण। प्रत्यय जोड़ देने से शब्द बनेंगे कड़वाहट, फुर्ती, कुशलता, कृपणता। विशेषण शब्द है मीठा, हरा, लघु, निपुण, सफेद, महान, लाल, चालाक। प्रत्यय शब्द जोड़ देने से बनते हैं मिठास, हरियाली, लघुता, निपुणता, सफेदी, महानता, लालिमा, चालाकी आदि। विशेषण शब्द है मोटा, प्रवीण, अच्छा, मैला, कठिन, चतुर, बुरा, मधुर। प्रत्यय शब्द जोड़कर बनते हैं मोटापा, प्रवीणता, अच्छाई, मैल, कठिनाई, चतुराई, बुराई, मधुरता। अब हम देखते हैं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। क्रिया शब्द है उड़ना, उठना, पढ़ना, दौड़ना, जीतना, उड़ाना, कमाना, चढ़ना, सजाना, थकना, दबाना, धोना। इनमें प्रत्यय शब्द जोड़ देने से बनते हैं उड़ान, उठान, पढ़ाई, दौड़, जीत, उड़ान, कमाई, चढ़ाई, सजावट, थकावट, दबाव, धुलाई। क्रिया शब्द है लिखना, क्रिया यानी भर्ब। लिखना, हारना, बहना, उतारना, रोना, हंसना, चलना, हारना, बनना, भूलना, जलना। प्रत्यय शब्द जोड़कर बनाए गए हैं लिखाई, हार, बहाव, उतार, रुंधन, हंसी, चाल, हार, बनावट, भूल, जलन। इस तरह बच्चों चार शब्दों से जातिवाचक, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, परिभाषा। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे घर, कुत्ता, गाय, आदमी, औरत, कलम आदि। कोई भी दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, संज्ञा के तीन भेद हैं। क, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उदाहरण लाल किला, आगरा, भारत। ख, जातिवाचक संज्ञा, औरत, गाय, आदमी। ग, भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा, सुंदरता, अहिंसा आदि। तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा के पांच पांच उदाहरण लिखिए। जातिवाचक संज्ञाओं में हम लिख सकते हैं किताब, घर, आदमी, शहर, मेज। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भगत सिंह, ताजमहल, भारत, पटना, सौरभ। भाववाचक संज्ञा, मूर्खता, प्रेम, कायरता, बुढ़ापा, यवन। चौथा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए तथा संज्ञा भेद का नाम लिखिए। का नंबर, आज बहुत गर्मी है। संज्ञा शब्द है गर्मी। संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा। ख, बचपन में बच्चे शरारती होते हैं। संज्ञा शब्द है बचपन। संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। ग नंबर, गन्ने में मिठास है। मिठास के भेद, भाववाचक संज्ञा। पर वह गीता पढ़ रहा है। संज्ञा शब्द है गीता। अंगा नंबर, पक्षी उड़ रहे हैं। संज्ञा शब्द है पक्षी। जातिवाचक संज्ञा। चा नंबर,
यहाँ सभा हो रही है। संज्ञा शब्द है सभा की वाचक संज्ञा। छ नंबर शेर दहाड़ रहा है। संज्ञा शब्द है शेर, शेर है जातिवाचक संज्ञा। ज नंबर ताजमहल आगरा में है। संज्ञा शब्द है ताजमहल और आगरा। विशेष नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। झ नंबर कुम्हार बर्तन बनाता है। संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। य नंबर यह महात्मा गांधी का चित्र है। संज्ञा शब्द है महात्मा गांधी संज्ञा। फाइव नंबर प्रश्न कोष्टक में दिए गए दो उत्तरों में से जो सही है उस पर टिक का निशान लगाइए, टिक चिन्ह लगाइए। क नंबर गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख कुत्ता। ग लड़कपन भाववाचक संज्ञा। घ स्वर्ण मंदिर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक। सिक्स नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों से कीजिए। क नंबर दिल्ली भारत की राजधानी है। ख जंगल में मोर नाचते हैं। ग लाल किला दिल्ली में है। घ मुझे अपने भाई से बहुत स्नेह है। अंगा सोना एक बहुमूल्य धातु है। च चोरी करना पाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर भाववाचक संज्ञा बनाइए। क पंडित पांडित्य। ख माता मातृत्व। ग सर्व सर्वस्व। घ अपना अपनापन। अंगा महान महानता। च शिशु शैशव। छ कमाना कमाई। ज बनना बनावट। झ लाल लालिमा। या वीर वीरता। अच्छा अच्छाई। युवक यवन। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से पढ़िए और अपनी उत्तर पुस्तिका पर यानी अपने पुस्तक पर आप साफ और सुंदर अक्षरों पर लिख लेंगे। धन्यवाद।